और कोई नदी है पहाड़ से निकलती है, कहीं से निकलती है, गंगा जी भगवान के चरण से निकलती है, ब्रह्मा जी भगवान के चरण कमल को धोए थे रखे थे। तो जब भगीरथ जी ने प्रयास किया गंगा को लाने का अपने पूर्वजों को तारने के लिए, उनके पूर्वज भगवान का कपिल देव जी का अपराध करने से सब मर गए थे, भस्मीभूत हो गए थे। गंगा उस तपस्या किए कि हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, तो आकाशवाणी में कहा गया कि गंगा जी के जल के अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पाप करके मरे हैं, भगवान में दोष बुद्धि करके सब भगवान कपिल देव को मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने आंखें खोला तो सब जल कर राख हो गए, क्रोध से नहीं, केवल भगवान का अपराध करने के कारण जल कर राख हो गए सगर के सभी पुत्र। उस वंश में अंशुमान हुए, इसके बाद भगीरथ हुए। अंशुमान गंगा जी को लाना चाहते थे लेकिन लाने में समर्थ नहीं हुए। भगीरथ जी ने बहुत घोर तप किया, गंगा जी को प्रसन्न कर लिया। तो गंगा जी ने कहा कि मैं आऊंगी पृथ्वी पर लेकिन दो प्रॉब्लम है, दो संकट, दो असुविधा आने में। एक तो ये असुविधा है, मैं इतना वेग से जब चलूंगी ब्रह्मलोक से तो मैं पृथ्वी को फोड़ करके पाताल में चली जाऊंगी, तो मेरे वेग को धारण करने वाला कोई चाहिए। तो भगीरथ जी फिर भगवान शिव को संतुष्ट किए तपस्या द्वारा, भगवान शिव तैयार हो गए। तो साक्षात ईश्वर है, तैयार हो गए कि मैं धारण करूंगा। भक्ति भाव से भगवान के चरण जल को मैं अपने माथे पर अपने जटा में धारण करूंगा, इतना आदर किए हैं भगवान शिव भगवान कृष्ण के चरण जल को, तैयार हो गए। दूसरी समस्या थी, गंगा जी ने कहा कि मैं परम पावन हूँ, पवित्र हूँ, पृथ्वी पर जाऊंगी तो अनेक पापी लोग आया करके मुझमें अपना पाप धोएंगे, हमें अशुद्ध हो जाऊंगी, बिल्कुल दुनिया भर से आएंगे हमें स्नान करेंगे तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, तो मैं अपना पाप कहाँ धोऊंगी, ये समस्या थी गंगा जी के लिए। तो भगीरथ जी ने कहा कि माता जी आप तो अपवित्र हो नहीं सकती हैं, लेकिन ऐसा मानती हैं कि मैं अपवित्र हो जाऊंगी, तो भगवान कृष्ण को हृदय में धारण करने वाले, विष्णु को हृदय में धारण करने वाले भक्त जन जब आपने स्नान करेंगे तो आपका पाप खत्म हो जाएगा। तो गंगा जी ने मान लिया, हाँ अब तो कोई बात नहीं, मैं चलूंगी पृथ्वी पर। श्री गंगा जी आए, रुद्र ने भगवान शिव ने धारण किया जटा ने आनंद के साथ, उनको गंगाधर कहते। तब ये फिर आई हिमालय पर, उसके बाद पृथ्वी पर, इस तरह से गंगा जी आई हुई है। सूत गोस्वामी कहते हैं ऋषियों की सभा में, कस्तम सेवित तम ने गंगा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो गंगा जी का सेवन नहीं करेगा, और कौन, हम प्रश्न करते हैं कौन आसन्न मृत्यु नहीं है, कौन गारंटी दे सकता है कि उसकी मृत्यु अब नहीं होने वाली है, कोई ठीक नहीं है। मर्त कहते ही है मनुष्य को, मर्त का अर्थ मरने योग्य, मर्त का ही अर्थ होता है मरने योग्य, मरना ही जिसका स्वभाव है। देवताओं के लोक में ऐसा नहीं होता है कि हार्ट अटैक हो गया कोई मर जाए या एक्सीडेंट हो गया, वहाँ ये सबसे मृत्यु नहीं होती है, वहाँ पर निश्चित है कि पुण्य जब क्षय होगा तब वो स्वर्ग छोड़ेंगे, इतना इसके बीच में नहीं। पुण्य छिड़े पुण्य मर्त लोकम विसंति, छिड़े पुण्य मर्त लोकम विसंति, स्वर्ग में जन्म लेने वाले देवता लोग पुण्य छीण होने पर मनुष्यों के समाज में विसंति प्रवेश करते,
लेकिन यहाँ तो पुण्य का कोई पता ही नहीं है, कब कहाँ मृत्यु हो जाएगी, कौन कब रोग हो जाएगा, तो कुछ पता नहीं। इस तरह से मनुष्य आसन्न मरण है, सब जगह मृत्यु है, सर्वतो मृत्यु, सब जगह सब समय में मृत्यु है, मृत्यु का ही राज है, इसलिए इसको मर्त्य जगत कहते हैं, मृत्यु जगत, मृत्यु संसार वर्तमान ही भगवान कृष्ण इसको मृत्यु संसार कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कौन है जो, ऐसा विवेकी कौन है जो सेवन नहीं करेगा गंगा जी का, अच्छा सभी करेंगे। गंगा जी का सेवन का मतलब क्या है, गंगा जी में स्नान करना, गंगा जी का आचमन करना, गंगा जी की पूजन, गंगा जी का पूजन करना, गंगा जी का स्मरण करना कि भगवान के चरणों से निकल कर बह रही है, जहाँ है वहाँ से भी गंगा गंगा गंगा, कोई कहे तो उसके अनेकों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इतनी पावन नदी गंगा जी। गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित आ गए। इति विवक्षिद्य स पांडवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् दधौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्य भावो मुनि व्रत मुक्त समस्त सन्दः। इस प्रकार विवक्षिद्य निर्णय करके सब पांडवेय, पांडवों के वंशधर महाराज परीक्षित विष्णुपदी में, विष्णुपदी के तट पर अनशन में बैठ गए, बैठ करके क्या किए, दधौ, दधौ का अर्थ धारण किए या ध्यान करने लगे, मुकुंदांग्रिम श्री कृष्ण के चरण कमल को दधौ धारण कर लिए, हृदय में धारण कर लिए, और चिंतन नहीं हो रहा था, श्री कृष्ण का केवल चिंतन हो रहा था, मुकुंद का जो मुक्ति देते हैं, सुख देते हैं। अनन्य भाव, अनन्य भाव, न अन्यस्मिन भाव जस्य स अनन्य भाव, श्री कृष्ण के अलावा और किसी में उनकी, उनका कोई भाव नहीं था, मन की तरंग नहीं थी, कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा था, अनन्य भाव इसको कहते, अन्य में कोई भाव नहीं था, कोई प्रेम नहीं, कुछ नहीं, अन्य सबसे अनासक्त और भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण आसक्त, उनके श्री विग्रह का, उनके स्वरूप का ध्यान करने लगे, विशेषकर चरणों का, मुक्त समस्त संगा, सब आसक्ति से मुक्त है। पहले ही उनका मन मुक्त था, इस मुक्त का अर्थ है कि अब परिवार आदि से कोई भी संग नहीं लिए, एक आदमी को भी संग नहीं, न कोई मिनिस्टर चल सकता था उनके सामने, कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी का कोई चिंता, मुक्त समस्त संग, मुनि व्रत, मुनि व्रत धारण किए, मौन, संसारी कोई बात नहीं बोलना है, ऐसा नहीं था कुछ लोगों को बहुत जरूरी है फोन करके चलो कह दो कि आप राज संभालिएगा, एक कीजिए, इसको मौन कहा है, मुनि व्रत, मुनियों जैसा, भगवान के भक्तों जैसा व्रत हो गया, विरक्तों जैसा व्रत। तो यहाँ इनको पांडवेय कह रहे हैं सूत गोस्वामी, क्यों ना हो, पांडवों के वंश में जन्म लिए हैं, इन्होंने जो कुछ भी किया यह कुल के उचित है। इसके पहले महाराज युधिष्ठिर राज्य छोड़कर के भगवान को पाने के लिए हिमालय में चले गए, कोई त्यागने के लिए कहा नहीं उनको, जब ही उन्होंने अर्जुन के मुख से सुना कि भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए, महाराज युधिष्ठिर का वह अंतिम दिन था जबकि वे सिंहासन पर रहे, बस उसके बाद छोड़ दिया, लेकिन सिंहासन पर बैठे ही नहीं, मुकुट उतार दिए सिंहासन पर नहीं बैठे, और राजकीय वस्त्र उतार करके, फटा पुराना वस्त्र पहन करके हिमालय की तरफ चल दिए। जब युधिष्ठिर जा रहे थे तो भीमसेन भी चल दिए, अर्जुन भी चले, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, ये भी सब चल दिए,
भगवान से इतना प्रेम था कि भगवान नहीं रहे तो हम क्या राजा रहेंगे, क्या जिएंगे, हम चल दिए कहाँ चल दिए, श्री कृष्ण को पाने के लिए। सुने थे पहले के जितने भी राजा हुए भगवान को पाने के लिए हिमालय की तरफ गए, वन में चले जाते थे। महाराज युधिष्ठिर भी राज त्याग करके हिमालय चल दिए। तो वैसे कुल में परीक्षित का जन्म हुआ है, ये अर्जुन के पौत्र हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया ये कुल के उचित है, वास्तव में धन है पांडव और पांडवे। मुनि व्रत का अर्थ उपशांत, समस्त संग त्याग चुके थे। संग का अर्थ संपर्क और संग का अर्थ आसक्ति भी होता है, आसक्ति और संपर्क तक। इतना समाज था, ये राजा थे, ये कोई साथ किसी का संग संपर्क त्याग दिए और आसक्ति तो त्याग नहीं थी। आज के युग में अगर साधारण ही पद है लेकिन प्राइम मिनिस्टर निकल करके वन में चलने लगे तो कितने लोग पीछे लगेंगे, सरकार इसके लिए साइन कर दीजिए, अब ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, हमारा काम कर दीजिए। इसको निकलना ही कठिन है कि नहीं? निकलना कठिन है, वन में जाना चाहे तो जा ही नहीं पाएगा, सब पहले से ही वन साफ करके उसके लिए फ्लाइट बना देंगे, है ना? वो कितना भी मना करे कि हमारे साथ कोई न चले, कोई मत हमको फोन करे, लेकिन ऐसा असंभव है। पर महाराज परीक्षित के संभव था, उनका दृढ़ निश्चय था, कोई साथ नहीं जा सकता था। पीछे से गए जन्मेजय जी, जाकर के सारी व्यवस्था वो कर रहे थे, लेकिन महाराज परीक्षित को इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे सुखताल में, तो ये कहते हैं परीक्षित के वंश परंपरा को गिनाते हुए कहते हैं उसके बाद ये जन्मेजय आदि हैं, ये कह रहे हैं। तो जब पिताजी भागवत सुन रहे थे तो सभी बच्चे भी भागवत सुन रहे थे, उनका ऐसा प्रभाव था कि पर्सनल शासन में रहने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। जन्मेजय का खुद इतना प्रभाव था, इनको तक्षक सांप डस दिया तो इस दुनिया के ब्रह्मांड के सारे सर्पों को भस्म करने के लिए यज्ञ करने लगे। अपने पिता से इतना प्रेम था कि वो सोचे कि अब सर्प योनि खत्म हो जाए, सर्प रहेंगे ही, कैसे कैसा, और कितने सर्प हवन कर दिए गए और तक्षक नहीं हुआ, तक्षक चला गया इंद्र के शरण में, उनको बचाइए बचाइए बचाइए, मैं तो काल के द्वारा प्रेरित होकर के कर्म के अनुसार मैं तो दशा, मेरा कोई परीक्षित महाराज के साथ बैर नहीं था, तो इंद्र की शरण में गए, इंद्र रख। तो जन्मेजय पूछते हैं हवन करने वाले ऋषियों से, तक्षक क्यों नहीं आया? तो कह दिए लोग कि वो इंद्र की शरण में गया है। इंद्र को भी तक्षक के साथ इंद्र को जग कुंड में जला दो, खत्म करो। क्रोध होता है राजपूत को तो उस क्रोध को क्या कहा दे, कुछ विचार नहीं है। तो ये ऋषि लोग क्या करेंगे, तो दास थे उनके, वो हवन करने लगे। तो सिंहासन, जिस सिंहासन पर इंद्र बैठे तो सिंहासन के साथ इंद्र चलने लगे मंत्र के बल से जग कुंड में मरने के लिए। तब तक्षक तुम भागो भागो भागो, तक्षक को हटा दिए, नहीं तुम जाओ, हम नहीं रक्षा करेंगे। तो तक्षक आने लगा, उसको छोड़ दिया इंद्र, तो आने लगा तो इधर से ऋषि रोक दिए अपने बल से, कौशिक ऋषि, तो वो नहीं आ रहा था। बाद में जन्मेजय महाराज को ज्ञान दिया गया कि महाराज ऐसे क्रोध में मत होइए, ये जीवन मरण सब ईश्वर का विधान है, लिखा हुआ है, तक्षक कारण नहीं है।
तब जा करके इनका क्रोध शांत हुआ, लेकिन लाखों करोड़ों सांप भस्म हो गए और जिसको मरना तो आया नहीं, वो बच गया। ये ईश्वर की सब इच्छा है, विधान है वास्तव। तो जन्मेजय भी श्रीमद् भागवतम सुन रहे थे और इनके तीन भाई और तो ये भी सब सुन रहे थे, हम सब बात में गए थे। उसी दिन तत्काल तो जब वे व्रत लेकर के बैठ गए भगवान के धाम में जाना है, तो उसी समय सारी ब्रह्मांड से ऋषि मुनि आने लगे, तुरंत आ गए। उनके आने में कोई देर नहीं लगे, ऐसा नहीं था कि ट्रैफिक जाम हो जाए और वे न पहुंचे। कोई परिवहन से नहीं, मन की गति से चलते थे। मन कितना स्पीड से चलता है, हम यहाँ बैठे बैठे एक सेकंड में दिल्ली जा सकते हैं, एक सेकंड में नहीं लगेगा, बल्कि वहाँ से जा करके लौट आने में भी एक सेकंड नहीं लगेगा। ऋषि मुनि सब सिद्ध होते हैं, देवता सब आ गए। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्यः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। यह सुन करके कि महाराज परीक्षित शरीर त्यागने के लिए गंगा जी के तट पर बैठे हैं, तो ये सब ऋषि मुनि आए, उपजग्मु आ गए तत्काल। ऋषियों को मुनियों को विश्वास था कि महाराज परीक्षित भगवान के धाम में जाएंगे। जैसे यहाँ पर कोई जाता है तो उसकी उसको विदाई करने के लिए कुछ लोग रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट चले जाते हैं। कहाँ जा रहा है, एक नरक से दूसरे नरक में है ना, यही है ना, और एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो उसको विदा देने के लिए कुछ लोग जुटते हैं। और ऋषि मुनि तो जानते हैं कि भगवान के धाम में जाएंगे, तो महाराज परीक्षित का प्रयाण भी देखना चाहते हैं, किस तरह से किस स्थिति में रहे, जीवन के अंतिम दिनों में वे क्या कर रहे थे, इसको भी देखना चाहते थे। और सभी जान गए कि वहाँ तो भगवत कथा होगी, महाराज परीक्षित इसके प्रमाण पहले से ही भगवत कथा में रहते थे। ऐसा भागवत में आया है कि जो कोई भी भगवान की कथा कहता था, कीर्तन करता था, भगवान का अभिनय करता था, अभिनय में कभी कभी अभिनय करने वाले ये भी दिखाते थे कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की, और ये स्वयं दर्शकों में बैठकर देखते थे, भगवान की लीला होती थी, कैसे उन्होंने गिरिराज जी को धारण किया, कैसे काली का दमन किया, और किस तरह वे पांडवों की रक्षा किए, और उस संदर्भ में किस प्रकार उन्होंने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, परीक्षित की रक्षा। तो अपनी बात साथ डायरेक्ट देख रहे हैं, भगवान कृष्ण इस तरह से हमारी रक्षा किए, हमारे पूर्वजों से इतना स्नेह किए, तो उनकी भक्ति कई गुना बढ़ जाती थी ये सब देख कर। तो उस समय में जो हार लगाए रहते थे गले में, बहुमूल्य हार मणि और भी जो रखे थे, वो अभिनय करने वालों को, गीत गाने वालों को लुटाया करते थे, दिया करते थे परीक्षित महाराज, ये वर्णन है। तो ये इस तरह से भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते थे। तो जो कथा के कीर्तन के इतने प्रेमी थे, तो अपने जीवन के अंत में क्या करेंगे, बहुत सुंदर कथा होगी, कीर्तन होगा, वैष्णवों का समागम होगा, ऋषि मुनियों का, तो ये दुर्लभ लाभ हमको मिलेगा। अतः वे महाराज परीक्षित का दर्शन करने के लिए गए, दर्शन करने के लिए गए, और परीक्षित महाराज जो कुछ सुनेंगे, जो कुछ करेंगे, उससे लाभ उठाने के लिए गए। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं तीर्थ स्नान के लिए नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अब तीर्थ स्नान के लिए जुटे, स्नान तो करेंगे ही, तो वैष्णव है सदाचार पलायन, लेकिन गए महाराज परीक्षित का दर्शन करने के लिए, देखेंगे कि व्यक्ति भगवान के धाम जा रहा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण दृश्य है कि किस परिस्थिति में कैसे वो भगवान के धाम में जाता है, इसको देखना चाहते थे। इसका बड़ा महत्व है कि
एक विशिष्ट चेतना में स्थित हो करके निश्चिंत भगवान के प्रेम से भरा हुआ मन है, काम लगा है, वाणी लगी है और व्यक्ति भगवान के धाम में जा रहा है। इसलिए ऐसा भी देखा जाता है कि यदि कोई श्रेष्ठ वैष्णव शरीर छोड़ता हो तो उस समय प्रायः साधु महात्मा जुटते हैं, देखते हैं, मिलने जाते हैं। मनुष्यों में ये सब मिलना जुलना ये स्वाभाविक रहता है, लेकिन अपने अपने स्वर्गे परमा प्रीति, अपने अपने स्थिति के अनुसार लोग दूसरे को प्रेमी मान करके उसे मिलते हैं, विदा करते हैं या रिसीव करते हैं। महाराज परीक्षित को विदा देने के लिए और श्रवण करने के लिए ऋषि लोग गए तत्रुप जगमु, वहाँ गए कौन, भुवनम पुनाना, जो संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाले हैं, समर्थ हैं, ऐसे ऋषि मुनि सब गए आए। महानुभाव, जिनका महान अनुभव है, जो भगवान के बहुत प्रेमी हैं, सब ऋषि मुनि, मुनय सशिष्य, और जो भी आए अपने शिष्यों के साथ आए, शिष्यों के साथ आए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजकल के तो मुनि लोग भी नहीं जाते हैं और न शिष्य को लाते हैं, बल्कि शिष्य को सिखा देते हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसे मुनि लोग हैं। मुनि लोग करें नहीं, नहीं तुम अपने ड्यूटी में रहो, ये तो सब चलता ही रहता है कथा के तरह से, तुम अपनी ड्यूटी करो। शिष्य को कहाँ से लाने, शिष्यों को रोक देते हैं, ऐसे मुनि कलयुगी मुनि हैं। पर ये मुनि आए तो सशिष्य, शिष्यों के साथ, चलो 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 चलो, इसी दिन के लिए। ये सब समाज फेस्टिवल देखने से भक्ति बढ़ती है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि फेस्टिवल इज द मदर ऑफ डिवोशनल सर्विस। कुछ जब ऐसे दुर्लभ अवसर आते हैं तो केवल वहाँ जाने से ही भक्ति का बीज पड़ जाता है, व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। एक बार की बात है, एक लड़का गया था हमारे तरफ का जन्मद्वितीया के अवसर पर मथुरा जी, वहाँ के भीड़ को देख करके, ठंडा पानी और सब नहा रहे हैं 3 बजे भोर से, तो अभी भी भगवान से प्रेम करने वाले लोग इतना है, इतना ठंडा की परवाह नहीं है, सब नहा रहे हैं, नहा रहे हैं, अपार भीड़। इसको देख करके मन पर एक असर होता है, वास्तव में भगवान सत्य हैं और भगवान से प्रेम करने वाले भी काफी लोग हैं, तो असर होता है। तो अपने भीतर अपने मन में ये उत्साह बढ़ता है कि मैं भी भगवान की भक्ति करूंगा देख करके। कई ऐसे फेस्टिवल होते हैं, जैसे मायापुर का फेस्टिवल होता है इस्कान का, तो वहाँ देख करके स्त्रियों को, बच्चों को, दूसरी स्त्रियाँ प्रभावित हो जाती हैं, ये ऐसे तिलक किए हैं, माला झोली लेकर के भजन कर रहे हैं। तो हजारों हजारों आदमी को कोई देखता है तो बिना प्रीच किए ही प्रीचिंग हो जाती है, देखने का ऐसा प्रभाव होता है। भगवान का कीर्तन हो रहा हो, हजारों भक्त झूम रहे हैं, गा रहे हैं, तो कौन ऐसा पत्थर हृदय होगा जिसका हृदय पिघल नहीं जाएगा। वृंदावन में श्री कृष्ण वाला मंदिर में कोई जाए, भगवान का श्रृंगार देखकर कौन नहीं बदल जाता है। महापक्का ईश्वर द्रोही नास्तिक, भगवान के शरीर को स्वीकार नहीं करने, अंग को स्वीकार नहीं करने वाला व्यक्ति एक बार तो डोल जाता है कि भगवान इतना सुंदर है, इनका इतना सुंदर श्रृंगार हो सकता है। इसीलिए ये सब दृश्यों को देखने जाना चाहिए। जहाँ वैष्णव का समाज जुटता है वहाँ जाना चाहिए, और इसके विपरीत नन वैष्णव का समाज है तो नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उनका प्रभाव पड़ जाएगा। संख्या देख करके
तो संख्या देख करके किसी चीज का प्रभाव हो जाता है। इसके विषय में मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे गांव की बात है, एक बार कुछ लड़कों ने और कुछ सियाने लोग भी एक आदमी के गन्ने के खेत से कुछ गन्ना तोड़े। गन्ना समझते हैं ना, इक्षु एक तोड़े। तब तक खेत वाला गन्ने के खेत में ही था, आवाज हुई तोड़ने की तो लोग गन्ना छोड़ छाड़ करके भागे। गन्ना छोड़ करके भागे, तो भागे जा रहे थे। तो एक आदमी, वो बूढ़े आदमी थे और गाय चरा रहे थे कुछ दूर गन्ना, तो वे उन लोगों को भागते देखे तो वे भी भाग गए। गन्ने वाले को बहुत हंसी आई, ये लोग तो भाग रहे थे डर करके कि मारेगा चाहे इनके पिता से कहेगा ऐसे। तो गन्ना वाला पूछता है कि भोजपुरी में पूछा, तू तो ऊख तोड़ने ना रहा, तू कहे भाग तला, तुम तो गन्ना तोड़े नहीं, तुम कैसे भाग रहे हो। तो वो कहते सब भाग रहे हैं तो हम भी क्या करें, हम भी भाग रहे हैं। कोई 10-12 लड़के केवल भाग रहे थे, सब भाग रहे थे, इसीलिए मैं भागने लगा। जब 10-12 व्यक्ति के इस परेड का असर हो सकता है, वो भाग रहे थे तो वो भी भाग रहे। वो हजारों हजार व्यक्ति जब हरिनाम कीर्तन कर रहे हों, तिलक लगाए हों, माला झोली रखे हों, तो क्यों नहीं उसका प्रभाव होगा। इसलिए ऐसे समाज में ऐसे अवसर पर भाग लेना चाहिए। तो वहाँ सब ऋषि मुनि आए, जिनके विषय में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि भुवनम पुनाना, विश्व को पवित्र करने वाले महात्मा जन, वैष्णव जन सब आए, मुनि लोग, सशिष्य शिष्य सहिता शिष्यों के साथ आए। प्रायण तीर्थाभिगमत देश स्वयं भी तीर्था निपुनंत संत। तीर्थ यात्रा एक बहाना रहता है महात्माओं का, कहाँ जा रहे हैं तो तीर्थ में जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में तीर्थ भ्रमण करने से, यात्रा करने के पीछे उनकी इच्छा क्या रहती है कि उस तीर्थ में भगवान का कीर्तन मिलेगा, भगवान का की कथा मिलेगी, वैष्णवों का संग मिलेगा। क्योंकि वैष्णव लोग तीर्थ नहीं रहते हैं ना, भगवान के धाम में रहते हैं। भगवान जहाँ रहे हैं जिस लीला भूमि में, जब अगर घर के काम धंधा से मुक्त हो गए, साधु हो गए, तो कहाँ जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे। भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं, ये नहीं कि अगर फुर्सत मिली है और साधु हो गए तो चलो विदेश घूमे। किस लिए कि कुछ विशेष स्थान है, अचरज की चीजें हैं संसार में, वहाँ घूमेंगे, या अमेरिका वाले को छुट्टी मिली तो चले ताज महल घूम देखने, या ये देखने, या चाइना की दीवार देखने। ऐसा होता है ना, ये महात्मा लोग भी तब ये तो तीर्थ यात्रा का बहाना करते हैं। तीर्थ गमाप देश ब्याज बहाना रहता है तीर्थ का, लेकिन वास्तव में जाते हैं भगवान के कथा कीर्तन के लिए, वैष्णवों के संग के लिए। तो जाते ही क्यों हैं, तो कहते हैं स्वयं ही तीर्थानि पुनंति संत। संत जाते हैं तीर्थों में, वैष्णव जाते हैं तो स्वयं ही तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। अपने आप इतना पवित्र हैं कि गंगा जी को ही पवित्र करते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनके मन में होता है कि मैं चलूंगा गंगा को पवित्र करूंगी, मन में नहीं होता है ऐसा दुर्भिमान उनके भीतर कैसे हो सकता है। भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी को मैं पवित्र करूंगा, अगर ऐसा भाव किसी में आया तो वो तो राक्षस है वास्तव में, तो कोई वैष्णव नहीं। लेकिन ये सूत गोस्वामी का उद्गार है कि वास्तव में उनमें इतनी शक्ति होती है कि तीर्थों को भी पवित्र कर दे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभ्यता। और एक उदाहरण देते हैं, गंगा जी भगवान को छोड़ करके भाग रही हैं,
वैष्णव तो कहीं जन्म लिए हैं और घर द्वार या और स्वधर्म छोड़कर भगवान के चरणों की तरफ भागते हैं, भगवान के चरण को पाना चाहते हैं और गंगा जी चरण छोड़ करके भाग रहे हैं। तो छोड़ करके भागने पर एक जन्म करते हैं कि प्रभाव कम होता जाएगा ना, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उनका प्रभाव कम होता जाएगा। ऐसे कम नहीं होता है कभी भी, लेकिन व्यंग में ऐसा कहा जाता है। तो एक किसी देश में गांव में जन्म लिया और वहां से भाग रहा है विष्णु चरण के तरफ, भगवान के चरण के तरफ, और एक का जन्म हुआ है चरण से, वो भाग रही है दुनिया में इधर उधर, और वही पहाड़ पर माथा पटक रही है ये गंगा जी। तो वास्तव में वैष्णवों के भगवान के भक्तों के जाने से तीर्थ सुतीर्थ हो जाते हैं, पर वैष्णव में ये भावना नहीं होती है कि मैं पवित्र कर लूं। वो तो अपने को बहुत हीन समझते हैं, दीन समझते हैं, मैं गंगा जी में स्नान करूंगा तो मेरा पाप कटेगा, भगवान में मन लगेगा, इसके लिए जाते हैं। परंतु सूत गोस्वामी जैसे समीक्षक यदि बोलेगा तो यही कहेगा ना, ये संत जन स्वयं ही तीर्थों को पवित्र कर ले। इस सूत गोस्वामी का उद्गार है, न कि साधुओं की मानसिकता है। इसीलिए वो आए, कौन कौन लोग आए, श्री सूत गोस्वामी नाम गिना रहे हैं। जैसे ये विश्व को पवित्र करते हैं तो इनका नाम लेने से भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है सुनने से। अत्रीर वशिष्ठ च्यवनः शरद्वान अरिष्ट नेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरो गाधिसुतोथ राम उतथ इंद्र प्रमदेद्म बाहु मेधा तिथिर्देवल आष्टिसेणो भारद्वाजो गौतम पिप्पलादः मैत्रेय औरवह कवशः कुंभजोनि द्वैपायनौ भगवान नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्जः राजर्षि वर्जा अरुणादयश्च नानार्षेय प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च राजा शिरसा भवन्दे। ऋषियों में से कुछ का नाम है यहाँ अत्रि। सूत गोस्वामी अल्फाबेट के अनुसार ही नाम रख रहे हैं अत्रि। अत्रि ऋषि एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हैं और ये जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भी थे, श्रीमद् भागवतम में सुने, जो भागवतम में आए हैं महाराज परीक्षित के पास उन ऋषियों का नाम यहाँ है। ये अत्रि ऋषि के तीन पुत्र हुए, भगवान दत्तात्रेय, दुर्वासा जी और सोम, तीनों देवताओं से, तीनों ईश्वरों से तीन जन्म लिए थे, माता अनसुईया के भजन के प्रभाव से। तो अनसुईया इनकी धर्म पत्नी है अत्रि जी की, और इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। इसी में बाद में चल करके जदु महाराज हुए, और ये महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में भी रहे हैं, राजसूय यज्ञ में। अर्जुन का जब जन्म हुआ था वन में, उस उत्सव में भी ये भाग लिए थे अत्रि जी। बहुत प्रसिद्ध ऋषि, श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए अत्रि जी आए, वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि समस्त ब्रह्मर्षियों में सबसे श्रेष्ठ, समस्त ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ, और ये बहुत दीर्घजीवी भी हैं, भगवान श्री राम के लिए पुरोहित रहे हैं और रघुवंश सूर्यवंश के पुरोहित, और इसके साथ ही साथ भगवान कृष्ण की लीला में भी रहे हैं, लीला जिस समय चल रही थी उस समय विशेष करके महाराज युधिष्ठिर से बहुत संपर्क रहता था। वशिष्ठ जी इतने शांत महात्मा हैं, इसका वर्णन है कि एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से कहे, नहीं कहते थे कि हम ब्राह्मण हैं,
हम ब्राह्मण हैं, क्या ब्राह्मण हमसे कोई बढ़ करके है, मैं ब्राह्मण हूँ, बहुत तपस्या की। तो सारे ब्राह्मणों ने मिल करके कह दिया कि यदि वशिष्ठ जी आपको ब्राह्मण कह देंगे तब हम सब मान लेंगे। तो वशिष्ठ जी से कहे मुझको तुम ब्राह्मण घोषित करो। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि अभी आप में बहुत क्रोध है, अभी आप ब्राह्मण नहीं है। उनके डर के मारे थोड़े कहने वाले थे। तो वशिष्ठ जी ने इनके 100 पुत्रों को मार दिया। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, विश्वामित्र जी ने इनके 100 पुत्रों की हत्या कर दिया। इसके बाद उनको भी मारना चाहते थे, बहुत युद्ध हुआ, दोनों पक्षी बन करके आकाश में लड़ते रहे 100 वर्षों तक, फिर भी वशिष्ठ जी ने इनको ब्राह्मण नहीं कहा। वशिष्ठ जी ऐसे नहीं थे कि अब उम्र करके भाई चाइन कर दो खत्म कर रहे, ऐसे नहीं थे महात्मा, सच्चे महात्मा थे। अंत में एक घटना घटी, पूर्णिमा की रात थी और जाड़े का दिन था, जाड़े की रात। तो आश्रम में थे विश्वामित्र जी और चंद्रमा का प्रकाश थोड़ा थोड़ा आ रहा था। तो अरुंधति जी, वशिष्ठ जी की पत्नी, कहती हैं कि कितना सुंदर प्रकाश है चंद्रमा का। और विश्वामित्र गए थे हत्या करने, तलवार ले लिए थे, इनके कुटिया के पीछे खड़े थे कि दोनों क्या बात कर रहे हैं, स्त्री पुरुष बात कर रहे हैं। अरुंधति जी कहें कि कितना तेज है चंद्रमा में। तो गुरु वशिष्ठ जी क्या कहते हैं अपनी पत्नी से, चंद्रमा का प्रकाश वैसा ही फैल रहा है जैसे विश्वामित्र मुनि की तपस्या का प्रकाश। वास्तव में सच्चा तपस्वी है विश्वामित्र जी। तो जो व्यक्ति एकांत में अपनी पत्नी से विश्वामित्र जी की प्रशंसा कर रहा है, और वो विश्वामित्र जी हत्या करने गए, सामने में नहीं कहते थे कि ब्राह्मण है, लेकिन वे कहने लगे वशिष्ठ जी की वास्तव में सच्चा तपस्वी है, उनकी तपस्या का तेज सारे संसार में फैल रहा है। जब ये बात सुने विश्वामित्र जी तो उनका हृदय एकदम पिघल गया, लगे रोने। जो एकांत में अपनी पत्नी से मेरी प्रशंसा कर रहा है और उसकी मैं हत्या करने जा रहा हूँ। तलवार फेंक दिए और आकर के विश्वामित्र जी के, वशिष्ठ जी के चरण में गिर गए। रात्रि के समय आप कौन हैं? मैं विश्वामित्र हूँ और मैं इस नियत से, इस संकल्प से आपके पास आया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब वशिष्ठ जी हंस करके कहे, उठिए ब्रह्मर्षि जी, और आप ब्राह्मण हो गए। कई साल से सब प्रयास में थे लेकिन वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण नहीं कहा। आज कहे, उठिए ब्रह्मर्षि जी, अब आप ब्रह्मर्षि हो गए। वशिष्ठ जी का बहुत बड़ा महत्व है। कई पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, भागवत में, सब जगह है। और ये द्रौपदी जी के गुरु थे। महाभारत में लिखा हुआ है, द्रौपदी जी के गुरु थे। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जाने लगी और जब कोई सहारा नहीं मिला अपने पतियों का, सबका, तो अपने गुरु की बात याद आ गई द्रौपदी को। उन्होंने कहा था कि द्रौपदी बेटी, जब जीवन में असाधारण विपत्ति पड़े जिसका कोई उपचार न हो, तो तुम भगवान कृष्ण को याद करना। तो शिक्षा दिए, तुरंत याद आ गई बात, तो सारा आशा भरोसा छोड़ करके हाथ ऊपर करके और भगवान कृष्ण का स्मरण कर लेना। हे गोविंद, हे द्वारिका वासी, मैं कौरवों के सभा में इस तरह से दुखी हूँ, आप आइए हमारा उद्धार कीजिए। तो भगवान आए और वस्त्र वर्धन किए। अच्छा, वशिष्ठ जी के बाद
नाम है च्यवन ऋषि का, इनकी श्रीमद् भागवत में कथा है। सुकन्या के साथ, महाराज सरजाती की पुत्री सुकन्या के साथ उन्होंने विवाह किया था, और कथा बड़ी है। सरद्वार अरिष्ट नेमी, सब ऋषियों के नाम है। भृगु, भृगु जी के बारे में आप जानते ही, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवान की परीक्षा लेने गए थे। भगवान के वक्षस्थल में लात भी मारे हैं, तो भगवान पर विश्वास करके, जानते हैं भगवान का स्वभाव ऐसा, भगवान की कीर्ति का प्रसार करने के लिए सब काम किए थे। अंगिरा, ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। पराशर, पराशर ऋषि, गाधी सुत विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी के पिता का नाम था गाधी, गाधी पुत्र विश्वामित्र जी, अथवा राम, भगवान परशुराम, ये सब शिष्यों के साथ आए हैं भगवत सुनने। भगवान परशुराम कथा में आए, उत्तत इंद्र प्रमद और इध्मबाल मेधातिथि, ये सब प्रसिद्ध ऋषि हैं। इनका परिचय श्रील प्रभुपाद ने 8वें अध्याय में दिया है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कुछ नहीं कहे, क्योंकि 8वें अध्याय में परिचय प्राय हो चुका है। मेधातिथि देवल ऋषि, इनका नाम श्रीमद् भागवत में आया, गीता में आया। आर्ष्टिसेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और वह कवस, कुंभजोनी, अगस्त जी, भगवान द्वैपायन, भगवान नारद, चकार थे अनुक्त सब समुच्चय, जो जो जिनका नाम आया नहीं है वे सब चकार से बोल देते हैं। अन्य जो देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्जा और अन्य भी देवताओं में जो ऋषि हैं, श्रेष्ठ देवता ब्रह्मर्षि, ब्राह्मणों में ऋषि उसमें सबसे श्रेष्ठ, राजर्षि वर्जा राजर्षियों में श्रेष्ठ, अरुणादय च अरुण आदि राजर्षि, नाना आर्षे प्रवरा, अनेक ऋषियों के वंशधर गोत्र उनमें जो श्रेष्ठ थे वे सब आए। समेतन अभ्यर्थ राजा शीर्षा भवंदे, जब ये लोग आए तो इनका स्वागत किए राजा परीक्षित, और शीर्षा भवंदे, सिर को जमीन पर रख करके अर्थात साष्टांग प्रणाम की। एक वचन में नाम जो पहले आया है, तो प्रायः इन ऋषियों में जिनका नाम आया है उनको उन्होंने अलग अलग प्रणाम किया ऋषियों, और कुछ को समवेत, उतना करने का अब समय नहीं था कि एक एक को प्रणाम करें, तो कुछ को अलग अलग प्रणाम किया, जैसे भगवान नारद, भगवान वेदव्यास देव, मैत्रेय और ऊपर जितने नाम है, अत्रि वशिष्ठ चौना सरद्वार, उनको प्रणाम किया। भुवम स्पृष्टवा बबंद, सिरसा भुवम स्पृष्टवा, सिर से भूमि का स्पर्श करके प्रणाम किया। सिर से भूमि के स्पर्श का मतलब ये नहीं हुआ कि धनुष प्रणाम, झुक करके जमीन माथा को जमीन पर रख दिया, इस ये अर्थ नहीं। जब भूमि पर सिर था तो और शरीर का अंग तो एकदम लेटा हुआ था, ये अर्थ है। कुछ लोग प्रणाम करते लगता है कि उनके शरीर में शक्ति नहीं रहती, तो हाथ से ऐसे किसी के चरण को छू कर प्रणाम करते, लगभग खड़े ही रहते हैं, आधा झुके हुए हाथ से करो। ठीक है, देश काल के अनुसार वो भी करना चाहिए, लेकिन समय होने पर, स्थान होने पर प्रणाम किया जाता है, देश काल देखना चाहिए। और जब बहुत प्रणाम में लोग हों तो एक साष्टांग से सबको कर दिया जाता है। एक साधु अयोध्या के थे, तो प्रणाम कर थके थे, चलते चलते वृंदावन में थक गए थे, कृष्ण बलराम
और राधा श्याम सुंदर और गौरताई को प्रणाम करने आए तो एक प्रणाम करके कहते हैं तीनों बांट लीजिएगा मैं एक कहीं नहीं कर रहा है तीनों ड्यूटी बांट लीजिएगा प्रणाम एक प्रणाम में परिक्रमा करके आए और फिर अब तीन तीन दंडवत कर रहे सुखोपविष्टे स्वस्ते सुभूय ऋषि लोग आ रहे थे और सुख पूर्वक जब सब बैठ गए आराम से बैठ गए सुख उपविष्ट सुखेन उपविष्ट इति अर्थ सुख से बैठ गए तो कृत प्रणाम स्वचिकित्सितम जब तो महाराज परीक्षित फिर से प्रणाम किए क्यों प्रणाम किया फिर से भूय कृत प्रणाम तो श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि उनके आने पर प्रणाम किए धर्म था प्रणाम करना और कुछ पूछने के लिए प्रणाम कर रहे हैं पूछने से पहले भी प्रणाम करना चाहिए ये नहीं कि उंगली दिखा के आई है वन क्वेश्चन ये विधि नहीं है त्रिशूल जैसे प्रश्न करने के पहले प्रणाम करना चाहिए भगवान ने बताया गीता में तद विधि प्रणिपात देना परिप्रश्न सेव है उपदेक्षंति ते ज्ञान ज्ञान नष्ट कुछ लोग तो ऐसे मिल जाते हैं कि कथा कह करके चलिए तो रास्ते में कहते हैं एक प्रश्न है हमारे इतना जीव उगता है हम लोगों का ये क्या पूछना है प्रश्न पूछने का प्रकार बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित फिर से प्रणाम किए क्योंकि सब चिकित्सक हम जब अपने चिकित्सा के विषय में पूछना चाहते थे कि हम अनशन किए हैं ये निर्णय किए हैं कि हमने भगवान का जप करेंगे ध्यान करेंगे ठीक है कि नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं या क्या पूछे वे आगे आगे बोलेंगे चार श्लोकों में बोलेंगे विज्ञा व्यामास विक्त चेता उपस्थित गृहित पानी अपने मन के बात को बोले उनका हृदय बहुत शुद्ध था उपस्थित अग्र सभी ऋषियों के बिल्कुल सामने आकर के झुक करके हाथ जोड़ करके अभिगृहित पानी ये दोनों हाथों को अभिगृहित संयोजित किए और प्रणाम करके पूछने लगे क्या उत्तर दिया इसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी आएंगे तो उनसे फिर स्पेशल प्रश्न करेंगे महाराज परीक्षित इसको कल कहा जाएगा हरे कृष्ण जय